दादा सोनेलाल जी, टोपी उड़ जाए तो सिर तो वहीं रहता है, पीछे किसको देखता तू? ध्यान दो, पीछे मुड़के किसे देखा आपने? वो तो भिन्न द्रव्य था, वो हट गया और वो जड़ है, तू चेतन है। कौन सी शक्ति थी इसने तुझे तेरे इतने बड़े सिर को यूं कर दिया? यदि आप अकड़ के बैठ जाते तो चार व्यक्ति भी यूं कर रहा था, तू नहीं करती आप। और वो गिरते ही आपका सिर मुड़ गया है, ये क्या था इसकी खोज कीजिए। यदि रागी राग की भी खोज करने लग जाए ना, तब भी इसको भेद विज्ञान होने लग जाए। रागी को राग तक का ज्ञान नहीं है, समझ रहे ना? रागी को राग तक का ज्ञान नहीं है। विषयों की ओर जाते मन को विषयों में जा रहा है ऐसा जानने लग जाओ तो तेरा मन विषयों से रुक सकता है। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? विषयों में जाते मन को मेरा मन विषयों में जा रहा है ऐसा वेदन करने लग जाओ, वहां पर भी ज्ञाता दृष्टा भाव को लाओ तो तेरा मन विषयों में जाते रुक सकता है। वो विषय कठिन नहीं है, वो आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि जीवन में ऐसा कभी सोच ही नहीं आया। एक शास्त्रों को पढ़ना और एक शास्त्रों को गुनना, ध्यान दो, श्लोक भारतीय ग्रंथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी, नाम सुना? जैन न्याय के प्रकांड विद्वान आचार्य विद्यानंद स्वामी, वो श्लोक भारतीय ग्रंथ में लिखते हैं, शब्द के पास पदार्थ को बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं है, विश्वास रखिए आप। शब्द के पास पदार्थ को बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं है, शब्द कम है ज्ञान ज्यादा है, आप स्वयं समझिए। ये क्या है? घड़ी, बस रख दे उसको। शब्द से तुमने घड़ी ही जाना ना, पर घड़ी जाना पर उसको देखते ही आपने समय जान लिया, सेकंड जान लिए, मिनट भी जान लिए, घंटा भी जान लिया, और इस समय में ये काम करना वो भी तुम्हारे दिमाग में आ चुका है। एक शब्द से बोलिए, इतने शब्द बोल सकते हो? इसलिए जो श्रुत है ना, वो श्रुत संपूर्ण द्रव्यों का व्याख्यान कर नहीं सकता। जो शब्द श्रुत है, शब्द श्रुत मात्र सांकेतिक होता है, उस शब्द श्रुत से मुझे अनंत ज्ञान हो जाता है, वो मेरे अंदर होता है। एक बीज बुद्धि रिद्धि है, एक बीज अक्षर को जानने मात्र से संपूर्ण श्रुत का ज्ञान हो गया। अब एक विषय रागी जीव है, वह एक विषय के शब्द को सुनता है, एक विषय के शब्द को सुनता है और सुन करके किसी को पता नहीं, अपने में निमग्न हो जाता, पता नहीं कहां कहां कितने जगत की स्त्रियों के साथ रमण कर बैठता है। एक क्षण में शब्द एक था उसका। इसलिए ध्यान दो, ज्ञान विशाल है, ज्ञान विशाल है। जो जितना शास्त्रों में लिखा है ना, उससे असंख्यात गुणा ज्ञान है। ये पंचास्ति का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में पांच अस्तिकायों का जितना वर्णन है आपकी दृष्टि में परिपूर्ण है, लेकिन विश्वास रखो यह परिपूर्ण होने पर भी अपूर्ण है।
परिपूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि ये परिपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो केवली का ज्ञान फिर क्या करेगा। ये ज्ञान परिपूर्ण हो गया ना तो फिर केवली के ज्ञान का विषय क्या होगा। इसलिए ध्यान दो कि जितना आप लोग जानते हो ना उतना आप कभी नहीं बोलते हो। बहुत सारा आप जानते हो। घर में बैठ करके जितना राग के बारे में भी आप जानते हो ना वो कभी अपने जीवन में आपने प्रकट नहीं किया। यही धारा वैराग की धारा है। अंदर का ज्ञान कभी पूर्ण विकट प्रकट नहीं होता क्योंकि शब्द लघु है। अंदर का ज्ञान कभी प्रकट नहीं होता, न छदमस्तों का होता न केवली का होता। ध्यान रखना, केवली का ज्ञान भी पूर्ण प्रकट नहीं होता कभी। नहीं समझ में आ रहा। अरहंत केवली भगवंत जगत के चराचर द्रव्य गुण पर्याय को एक उपज जानते देखते हैं, उनके व्याख्यान में जो ध्वनित हुआ है वो ज्ञानी जितना जाना उतना ध्वनित नहीं हुआ है। क्यों? प्रमाण प्रमाण अगाध है।